एक पोती कॉलेज के लिए छोटे कपड़े पहनकर निकली तो बाहर बैठे दादाजी से रहा नहीं गया और दादाजी बोले, बेटी ये क्या कपड़े पहने हैं? पोती बोली, सभी रोक टोक लड़कियों के लिए ही क्यों दादाजी, आप अपने पोते को तो कुछ भी नहीं कहते, वो तो कुछ भी पहने और रात को चाहे कितना भी लेट आए, उनको तो कोई नहीं रोकता। दादाजी बोले, इधर आओ मेरे पास बैठो। पोती दादाजी के पास बैठ गई। दादाजी ने पूछा, पता है हम लोहे को कहां रखते हैं? पोती बोली, लोहे को कहीं भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है, उसे भला कौन उठाता है। दादाजी ने फिर से पूछा, अच्छा बताओ हम सोने को कहां रखते हैं? पोती बोली, तिजोरी या किसी महफूज जगह पर। दादाजी ने पोती से कहा, लड़के लोहे की तरह होते हैं, उन्हें कहीं भी रख दो कोई नहीं उठाएगा, मगर लड़कियां सोने की तरह होती हैं, उनकी फिक्र होती है और इसलिए उन्हें महफूज रखना पड़ता है। पोती चुपचाप उठकर चली गई। दादाजी को लगा कि वो बुरा मान गई। पोती कुछ देर बाद बाहर आई और बोली, दादाजी अब कैसी लग रही हूं? दादाजी बोले, अरे बेटा अब तो तू एकदम पारी जैसी लग रही है।